क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों है? माँ मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, कोई मुझे जॉब नहीं देगा। शांत हो जा, फिर आराम से बता मुझे कि बात क्या है। माँ वो तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। वेट वेट, कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? सॉरी सर, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। What is this nonsense? Your employees can't even speak English. I'm really sorry, sir. I'll look into it. No, I don't want to deal with you. I'm going. Sir, can I be back, please? तुम्हें पता है वो कितने बड़े क्लाइंट थे? Now you lost them all because of you. You are fired. बट सर, मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाया है, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम इसे गवारों को मैं इस कंपनी में रख सकता हूँ, हमारी वजह से सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। ज्यादा बेहतर ये हुआ कि अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। लेकिन आई सेड लीव। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया मीटिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसको हाथ से नहीं आने सकते। हाँ मैं कमिंग। यस सिट डाउन। सुमन, मैं हिंदी में बात करना पसंद करती हूँ, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरी कंपनी से जाने के बाद आपको ऐसी क्या मोटिवेशन मिली कि आज आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं? अरे ये तो तेरा फेवरेट क्रिकेटर है ना। लेकिन सुमन, इसे ना हिंदी बोलनी आती है, अंग्रेजी नहीं जानता ये बिल्कुल भी। तो माँ उसकी बोलने से क्या मतलब, वो खेलता है तो अच्छा है ना? है? क्या बोली? एक बार दोबारा तो बोलना। अरे माँ वो बहुत अच्छा खेलता है, वो इंग्लिश बोले या ना बोले उससे क्या मतलब। बस यही बात तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख बेटा, तुझे अंग्रेजी आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तू अपना काम कितने अच्छे से करती है, कितने दिल से करती है, ये बात सबसे ज्यादा अहम है। फिर तू चाहे हिंदी में करे या किसी और भाषा में। हाँ माँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बस फिर तो हिंदी को अपनी कमजोरी मत बना, उसे अपनी ताकत बना। अरे कुछ ऐसा कर कि सामने वाला अपनी भाषा बदलने पर मजबूर हो जाए। थैंक यू माँ। आपको लगता है कि हिंदी बोलने वाले लोग गवार होते हैं, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते? बट इट्स नॉट ट्रू। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने हिंदी को एज ए लैंग्वेज अंडर एस्टिमेट किया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। चलो लाओ अपनी फाइल दो। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.